आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा शाइन के बारे में भाई, जो कि ब्रांड जो है सभी गाड़ियों में चेंजेस कर रहे हैं। जो भाई अदर ब्रांड, चाहे वो हीरो हो, टीवीएस हो, बजाज हो, ये सभी लोग भाई लॉन्च भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो होंडा है ये कुछ भी अपडेट अभी नहीं कर रहा है। लेकिन भाई एक अपडेट निकल के आई है शोरूम के थ्रू कि जो होंडा की शाइन है इसमें आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। तो भाई चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को और बात करते हैं चेंजेस के बारे में जो होने वाला है होंडा की शाइन में। तो इसका भाई जो कंसोल है ना वो अभी आपको मिल जाता है फुली एनालॉग, लेकिन ब्रांड जो है वो देने वाला है आपको फुली डिजिटल, जिसमें कि भाई आपको बहुत अच्छे फीचर भी मिलने वाले हैं, जो कि भाई ब्रांड उसमें आपको दे देगा मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी और साथ में आपको मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो कि भाई होंडा में ये फीचर अभी तक नहीं आया है। तो होंडा भी ये सारे फीचर अब आजमाने वाला है अपनी गाड़ियों में। और भाई इसका जो होगा हेडलाइट वो अब आपको मिल जाएगा एलईडी का, और भाई चांस है कि आपको मिल जाए एलईडी का डीआरएल। इसका भाई जो होगा टेल वो भी आपको मिल जाएगा एलईडी का, लेकिन इसके भाई जो होंगे इंडिकेटर्स वो तो मिलने वाले हैं आपको हेलोजन के ही। लेकिन भाई इसमें आपको जो है अब मिल जाएगा फ्रंट में डिस्क और पीछे भाई आपको ड्रम ही मिलेगा, लेकिन भाई जो एबीएस है वो बहुत ही जल्द आपको सभी गाड़ियों में मिल जाएगा, जो कि भाई 125 सीसी की हैं उनमें आपको एबीएस तो मिलेगा ही, जो कि भाई ये कंपलसरी होना चाहिए। और फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक का फोर्क और रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। तो भाई शॉकर तो आपको मिलेगा सेम। तो अब आते हैं गाड़ी के डिज़ाइन पे और लुक पे। तो इसकी भाई जो पूरी फेयरिंग है ना होंडा जो है उसे वापस से री अपडेट करके री लॉन्च करेगा, जिससे कि भाई गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। गाड़ी भाई जो है अभी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाई ये डिज़ाइन काफ़ी भाई इसमें सेल हो रहा, तो लोग इससे उब भी चुके हैं। तो होंडा भाई जो है शाइन में फेयरिंग में चेंज करेगा। बाकी भाई इसका जो इंजन है वो आपको मिलेगा सेम। गाड़ी में आपको मिल जाता है 123.94 सीसी का इंजन, जो कि ये आपको मिलता है PGM-FI के साथ। गाड़ी में आपको मिलता है 7.9 किलो वाट का पावर और जो टॉर्क है वो आपको 11 Nm का मिल जाता है, जो कि भाई गाड़ी आपको बहुत अच्छा माइलेज तो दे ही देती है, लेकिन भाई जो टॉप एंड है इसका वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन माइलेज आपको बहुत अच्छा दे देती है। गाड़ी में भाई आपको मिल जाएंगे सिंगल पीस हैंडल बार, जो कि बहुत ज़्यादा अपरेट साइड है। भाई गाड़ी की जो सीट है वो आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ मिल जाती है। इसका भाई जो टैंक है वहाँ पे आपको टैंक काउल देखने को मिल सकता है। भाई टैंक पे आपको मिल जाएगा होंडा का 3D लोगो विंग के साथ, और इसका भाई जो सीट काउल है वहाँ पे आपको शाइन की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी, जो कि भाई गाड़ी आपको काफ़ी अच्छे कलर्स और ग्राफिक के साथ मिलने वाली है। इसका भाई जो होगा टायर वो आपको मिलेगा फ्रंट और रियर, भाई दोनों में आपको सेम साइज़ के टायर मिल जाएंगे भाई, जो कि आपको मिलने वाले हैं 80 mm के। बाकी भाई फ्रंट में आपको मिल जाएगी 240 mm की डिस्क, भाई पीछे आपको मिल जाएगा ड्रम 130 mm का। भाई आगे आपको मिलेगा ऑप्शनल, जो कि भाई आगे आप चाहो तो ड्रम भी ले सकते हो, जो कि आपको मिलेगा IBS के साथ। बाकी भाई इसका जो होगा डायमेंशन जो होगा वेट, भाई उनमें आपको माइनर से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और भाई होंडा इस गाड़ी को लॉन्च करेगा आने वाले टाइम पे, भाई जो आने वाली है दिवाली, तब तक भाई ये गाड़ी आपको देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में, जो कि भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो जाएगी। और भाई इसका जो होगा प्राइस उसमें भी आपको डिफरेंस भाई देखने को मिल जाएगा, लगभग 6,000 रुपये तक का भाई ये गाड़ी अभी आपको मिल जाती है ड्रम ब्रेक के साथ। 77,396 भाई गाड़ी आपको एक्स शोरूम मिल जाती है भाई, जो कि गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और भाई इसमें आपको मिलते हैं दो मॉडल, भाई पहला आता है ड्रम और दूसरा आता है डिस्क। तो भाई प्राइस में आपको डिफरेंस मिल जाएगा दोनों में 6,000 रुपये का। तो भाई आप चौदह गाड़ी का वेट कर सकते हो। तो भाई जो वीडियो है इसे कर दो लाइक, और भाई जो है मेरा चैनल इसे कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।